एक्चुअली गुड नाइट होने वाला है, अभी तो 8 o'clock हो गए तो हमारा डिनर वगैरह हो गया है। तो आज मैंने दिन में कोई ब्लॉग नहीं बनाया, कोई रेसिपी शूट नहीं की, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी। तो इसलिए आज मैं सिर्फ मैंने सिंपल सा खाना बनाया था। तो अभी थोड़ा सा ठीक हूँ, डिनर कर लिया अभी हमने। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ सौंठ की चटनी, वो फिनिश हो गई थी मेरे पास। मैं मोस्टली घर पर ही बनाती हूँ, तो वो फिनिश हो गई अभी। तो मेरे पास थोड़ी सी इमली पड़ी हुई है, थोड़ी सी डेट्स पड़ी हुई है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इमली और डेट्स के साथ कैसे सौंठ की चटनी बनाती हूँ। बहुत ही जमी होती है, खट्टी मीठी सी ना। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने पैन में लिया है पानी। तो सबसे पहले करेंगे क्या, हम गैस ऑन। सबसे पहले गैस ऑन करेंगे। तो इसी पानी में हम डाल देंगे इमली। तो आप सोख भी कर सकते हो पहले, लेकिन अब भी बैठे बैठे मेरे मन में ख्याल आया तो चलो इमली की चटनी बना लेते हैं। तो मेरे पास सीडलेस इमली है ये वाली, तो आप सीड के साथ भी ले सकते हो, सीडलेस भी ले सकते हो, इज़ ऑल अप टू यू। तो इसको हम करेंगे बॉयल। इसको अच्छी तरह बॉयल करना है ता जो पूरा अपना पल्प है ना, जो इमली पूरा छोड़ दे, सॉफ्ट हो जाए। तो इसको अच्छी तरह पकाएंगे हम। तो आप चाहो तो आप इसके साथ ही डेट्स डाल सकते हो। तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं साथ में ही डेट्स डालने वाली हूँ थोड़ी सी, तो ताजो ये भी बॉयल हो जाए और ये अपना मीठा सा टेस्ट जो है वो पानी में छोड़ दे। तो अपने हिसाब से आप डेट्स डालो, आपको कितनी मीठी चाहिए, क्योंकि हम इसमें बाद में शक्कर भी डालने वाले हैं। तो इन दोनों चीज़ों को करेंगे हम बॉयल। बॉयल करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो मिलती हूँ इसको बॉयल करने के बाद। देखिए ये होने लग गया है बॉयल। अभी इसको थोड़ा टाइम और पकाएंगे हम, ताजो वो इमली का पूरा पल्प हमें मिल सके। हम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इमली पहले ही मेरे पास थोड़ी सी थी, तो इसलिए इसको अच्छी तरह उबालेंगे उबालेंगे, फिर इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसको छान लेंगे। फिर अच्छी तरह छानने के बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अभी ये हो गया ठंडा, इसको अच्छी तरह मैश कर लेंगे ऐसे हाथों से, ताँ जो हमें पूरा वो उसका मिल जाए पलम्प, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, इमली का हम पूरा वो निकाल लेंगे और इसको छान लेंगे। फिर अभी इसके अंदर ही पूरी डेट्स है ना, वो भी पूरी मैश होगी, उसका ही पूरा फ्लेवर आएगा अभी इसके अंदर। इसको अच्छी तरह मैश कर लें। इसको लिया मैंने शान, अभी और भी है थोड़ा सा, लेकिन मेरा पतीला क्या है भर। तो अभी इसमें डालेंगे हम 2 कटोरी, 2 से भी ज़्यादा ही जाएगा मुझे लगता है, जिस हिसाब से जो इमली है। पहले हम 2 डालकर देखेंगे शक्कर। आप गुड़ भी डाल सकते हो, शक्कर भी डाल सकते हो, शुगर भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो मीठे के लिए, लेकिन अगर आप शक्कर या गुड़ डालोगे ना, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसके साथ ही हम डाल देंगे इसमें जिंजर पाउडर, जिसको सौंठ बोलते हैं। तो अभी साथ में इसमें थोड़ी सी डाल देंगे हींग। हींग के साथ में इसमें डालेंगे ब्लैक सॉल्ट, इसमें वाइट सॉल्ट भी जाएगा और ब्लैक सॉल्ट भी जाएगा। मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर भर कर, और इसमें जाएगी देगी मिर्च। अगर आपको दूसरी डालनी है तो आप दूसरी भी डाल सकते हो, रेड चिली पाउडर, लेकिन मैं देगी मिर्च डालने वाली हूँ इसमें। 2 टेबलस्पून ही हो जाएगी, और ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है तंदूरी कलर, इसमें थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाएगा। ये टोटली ऑप्शन है, आपकी मर्जी है अगर आपको डालना है या नहीं डालना, क्योंकि कलर तो इस रेड चिली से भी आ जाएगा ना। अभी इसको करेंगे अच्छी तरह मिक्स। मिक्स करते रहिए। मेरा पतीला है छोटा ये वाला, अभी मुझे चाहिए बड़ा पतीला। मैं ट्राई करती हूँ, क्योंकि अभी ये ना पक पक कर थोड़ी सी हो जाएगी, बिल्कुल थोड़ी सी नहीं, मतलब हाफ तक तो हो ही जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हो कितनी पतली अभी। तो आप शुगर अपने हिसाब से डालना, क्योंकि ये इतनी सावर है ना इमली, खट्टी है ना,
मुंह में नहीं रखी जा रही अभी भी। मैंने डेट्स भी डाली तब भी मुंह में नहीं रखी जा रही है। आपने देखा मैंने कितनी डेट्स डाली थी इसमें, फिर भी इतनी खट्टी। अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है खट्टी देख देख कर। इसको पका लो अच्छी तरह। हम इसको थोड़ा टाइम पकाने के बाद फिर टेस्ट करेंगे। अब इसमें सब वाइट सॉल्ट भी डालना है, थोड़ा सा डालेंगे वाइट सॉल्ट। एक टेबलस्पून ही डालते हैं पहले, बाद में चेक करके फिर और डाल देंगे। मिक्स इट वेरी वेल। वैसे देखने को तो अच्छी भी लग रही है ना, वाह। और इसके साथ ही हम डाल देते हैं इसको, फटाफट करने वाला है ये, फटाफट मैं कर देती हूँ ऐसे। ये मेलन की सीड्स है, मेलन और सनफ्लावर। आप रॉक मेलन की जो सीड्स होती है ना, आप वो वाली यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ये वाली थी तो मैंने ये वाली यूज़ कर ली, तो ये वैसे भी ऑप्शनली है, जस्ट फॉर। जैसे हलवाई बनाते थे ना शादियों में, जब इंडिया में शादी होती है, ब्याह में इतनी चटनी होती है पकौड़ियाँ के नाल। अज मैं थानू सिखा रही हूँ ब्याह वाली चटनी, यू नो बनाना चटनी। इसमें हम डालेंगे एंड में बनाना भी, तो देखते रहिए वीडियो मेरी। आगे और ट्विस्ट आएंगे इस चटनी के अंदर। अभी बज गए हैं 9:15 हो गए हैं, अभी तक मैं चटनी बना रही हूँ। 8 बजे से स्टार्ट की चटनी बनानी, अभी बजेगा इसको 10। अभी आप देख सकते हो जो इतनी सी रह गई है, अभी थोड़ी सी कम हो गया इसमें से। अभी इसको ये पक गई है प्रॉपर, तो मुझे आधा घंटा हो गया इसको पकाते पकाते। देख सकते हो कलर भी इसका चेंज हो गया। तो मैंने इसमें सिर्फ 1 और 2 इसमें बेलीफ डाले हैं, तेज़पत्ता, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप प्लीज़ ट्राई करना जी तेज़पत्ता डाल करना। तो अगर आपको इसमें और थोड़ी थिक चाहिए ना, अभी इतनी थिक नहीं, क्योंकि ये पड़ी भी थिक हो जाएगी और भी, तो इसमें मैं सिर्फ थोड़ा सा डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर विद वाटर। कॉर्नफ्लावर को वाटर में डालकर जस्ट थोड़ा सा डालूंगी ताकि ये थिक हो जाए थोड़ी सी, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पक चुकी है। पूरा 1 घंटा हो गया इसको पकते, नियरली 10:15 होने वाले अभी। तो ये थोड़ा डालेंगे तो इससे ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगी। मैंने ना इसके उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ 2 बाउल ही वो डाले थे शुगर के, और उतना ही सॉल्ट। इसमें परफेक्ट है सॉल्ट वगैरह सारा कुछ। तो सिर्फ मैंने ऐड किया तेज़पत्ता और अभी ये कॉर्नफ्लावर। अभी ये ऑलमोस्ट रेडी है, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर आपको इसमें बनाना डालना है तो आप एंड में डालना जब ये पूरी तरह ठंडा हो जाए, क्योंकि अभी गर्म गर्म में आप बनाना नहीं डाल सकते। मैंने रख लिया है, जब ये सुबह तक ठंडी हो जाएगी तब मैं देखूंगी इसको कि अगर ज़्यादा थिक है थोड़ा सा पानी डालकर और पतला कर लूँगी, अगर ज़्यादा थिक नहीं है तो ऐसे मतलब ठीक है तो मैं इसी में बनाना डाल दूँगी। बनाना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप लाइक करते हो तभी बनाना डालना, अदरवाइज ऐसे भी ये बहुत अच्छी लगती है। तो अभी ये पक चुकी है, अभी मैं 5 मिनट और पकाऊंगी, तो उसके बाद हमारी इमली की चटनी रेडी है। आप किसी के साथ भी खा सकते हो, समोसे के साथ खा सकते हो, पकौड़े के साथ खा सकते हो, किसी भी डिश में, दही चाट, पापड़ी चाट, दही भल्ले और जो भी स्ट्रीट फूड होता है ना, किसी में भी डालकर इसको खा सकते हो। कोई भी चाट बनाकर उसमें डाल सकते हो, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। प्लीज़ ट्राई करना मेरी ये वाली रेसिपी, बहुत ही ईजी है, थोड़ा टाइम लेती है। तो अगर तो आप फ्री हो तो इसको गैस पर रख कर आप कुछ भी कर सकते हो, कोई और काम कर सकते हो। अगर आप किचन में कोई काम कर रहे हो तो इसको एक साइड गैस पर रख दो, तो ये साथ में बॉयल हो जाएगी और साथ साथ में आपका काम भी हो जाएगा, और आपको मिल जाएगी बहुत ही अच्छी इमली की चटनी, जो अभी मुझे तो मिल चुकी है। मैंने नियरली उसको 2 आवर्स दिए, क्योंकि अभी मैं फ्री थी तो मैंने सोचा चलो यही बना लेती हूँ। होप सो आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी है।
तो यहीं तक थी मेरी ये वाली वीडियो, होप सो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ ट्राई करना मेरी ये वाली रेसिपी और मुझे कमेंट में बताना आपको कैसी लगी ये वाली रेसिपी देखकर। तो मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू एंड गुड नाइट, बाय।